तो अब भी सुबह का बज गई 11:30 और मैं छोपर बखरों में आज मैं लेट से ब्लॉग शुरू करूँ थो, लेकिन आज मैं बढ़ते आज सुबह नहण धोहण करने के बाद मैं पूजो तक आई वह के बाद अभी बखरों में लगभग 9:30 और ब्याल तक मौसम पूरा खराब था। अब एक बादल नहीं आसमान में और हम आया छो आज ठीक प्राइमरी स्कूल समझने प्राइमरी स्कूल से हम और ये एक सारी नाम था हमारे बिलंगर और एक चीप पैया का डाला धोला कब जगह अच्छे खड़किया भूल ये डाल अच्छे खा। तो चलो आज का ब्लॉग का शुरुआत करें दो आप सभी थे मेरी तरफ से नमस्ते और आशा करूँ सो आप सब कुशल मंगल वेला और इन्हें हम भी सब बढ़िया और आज मौसम बिल्कुल साफ ऊँचा। तो शाम का 3 बज गई और अब हमारे तरह रोनी जखाल जाने की और आज सुबह बड़े म्यार बरमुंड दर्द करूँ चा पता नहीं क्या बरमुंड थी। ओहो मन नहीं करूँ कुछ काम करने को बस मन करूँ कि गाँव आराम से पोड़ान सही। तो अभी हम जो जयखाला धर्म ये है जयखाल और हम जाना छो आप पशुर गाँव और हवा चलने मस्त सुड़सुड़ी वाली और म्यार सरदर करूँ सर लेकिन यार बड़ा जो नज़ारा दिखे दाल जयखाल को बड़ू मस्त दिखे ना मतलब नहीं बोलना सो मैं आप भी देख सको और था मैं डाल लो छुट्टी गई और आसमान बिल्कुल साफ सब अचट हुई और यहाँ पे गाइस ये आ गए हैं थामर जा रहे स्कूल के बच्चे और अब थामर जा रहे स्कूल में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गिने चुने 20 से 30 बच्चे वहाँ बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए और हम जा रहे हैं बसुर के रास्ते पे और बसुर प्रधान के द्वारा यहाँ पे रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया गया है काफ़ी सफाई की है रास्ते की पूरा सीमेंट वाला रास्ता है और बसुर गांव की तारवाड़ कहीं जा घेराबंदी जो कि खेतों में रख सक रहे सुंगुर से लेकिन सुंगुर तो भाई सुंगुर है कने बड़े भी घुसन दी हो ज़्यादा रास्ता बस ये मचूँ छोटू सी गेट नंबर 2 कृषि विभाग द्वारा बनाया गया है ये और यहाँ पे उनकी सीवर लाइन है जो कि उन्होंने नाली बना रखी है और यहाँ पे छोटा सा बोर्ड और हमने प्रवेश कर लिया है ना हमने खुट्टी रख दी है बशुर गांव में। बशुर गांव का काफ़ी अच्छा विकास हो गया है इन कुछ सालों में ये बशुर वालों की छन्नी ये है गौड़ू जो कि बाहर निकाल रखा है घाम तपाने के लिए लेकिन ये चीज़ हमें गंदी लगी भैया ये थोड़ा गंदगी हो रखी है यहाँ पे इसका समाधान करे जरा गांव वाले। और अब हम बशुर गांव में और हमको जाना है ऊपर उस वाले घर पे यहाँ पे छोटा सा मंदिर और यहाँ पे है दुकान बड़ दादा जी की ये कॉलोनी कॉलोनी रास्ते ये घर सारा बशुर गांव दिखाएंगे हम आपको चप्पे चप्पे पे आए निगरानी हमारी और इधर पानी फूलों पे फूलों में चल रहा है। बशुर बनाना बाद हम आगे कुंडिल और यह कुंडला स्कूल ये स्कूल मिल रहा है 4 तक पहाड़ और हम कैमरा लगी सिक्योरिटी जट सिक्योरिटी दी स्कूल देगी ये स्कूल ये कुंडिल मल्ड बड़ो मल्ड और याच माता का मंदिर कौन माता जी नंदा देवी माता का मंदिर जो कि कुंडलम चा और ये एक वीडियो मेरे पहले भी बनी चा एक चीज सूर्य का डाला हुआ सूर्य का डाला बोलते नहीं उन्हें और आप देख सकते हो कद अच्छी जगह मंदिर बसी चा इन्हें बड़ा पूरा खुला इन्हें बड़ा मल्ड छोटो मल्ड मंदिर चा और
ये का जो प्रांगण से हम लगाए थे उनका सूर्य का डाला। जाओ हम भूल उन्हें चल लाट डे तक मंदिर। और अब हम लगो वो भी मंदिर और एक हमारे पहल पिचर छाई ये बार पूंगड़ा में बहुत क्रिकेट खेलो मारे ये पूंगड़ा में। और ये पूरा मलडक सारी ची मलडक पुंगड़ ची और जो ताल रोड कहीं जो है वो कहीं च ढूंगा और खेड़गांव हो गया ही थापला नौला और उन्हें बड़ा संगला कोटी रोड पर मिली जा। और हम लोगों आज ये डैम वो हमें छोटे से मंदिर बेचा हो इन्हें एक बड़े ही पूरा खुला खुला दिखे इन्हें तरफ और इन्हें तरफ तो हमारा एक बहुत गोर बेच रहे थे हमारा का। हम जब छोटे पड़े थे हमें गोर अपना किया खिलाए थे सुबह टाइम पर। और एक हमारे खेल क्रिकेट एक हमारे पहले पिच रहे एक पिच हमारे एक ताल था ये बार पौना था हमारे एक पिच काफी अच्छा नजारा है बड़े की आप देख सकते हो। और इन्हें दसमणि मालकोट हो गई और दलमण हो गई ये गाँव ची नहीं कांडे ही ढूंगबड़ी। तो अब हम पहुंच गए लाटू देवता का मंदिर और उन्हें पटे गाम चम कौन सा कुछ साफ दिखा नहीं चाह लेकिन देखा चो हनुमान जी का मंदिर आप देख सकते हो। ये पुराना मंदिर सी जो हालत बहुत ही बेकार लेकिन अभी देख लोग आना सी और दिए दिखने वाला। और याच एक ताल खड़ेगा सारी और एक गाँव योच और इन्हें बड़े देखा तो उनके खूबसूरत नजारा दिखाना सी ये कुंडिल बड़ा माल और खालू डांडा हरकोट और पूरु ने पूरु खुलू चा आप देख सकते हो थोड़ा गाम चम कुण चा वाह क्या सीन है।